हेलो फ्रेंड्स, नेशनल पीसी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रसन्नजीत और आज हम लोग बात करेंगे आसूस के लिक्विड कूलर आरओजी रियो 240 के बारे में। आसूस आरओजी रियो 240 एक बेहतरीन पैकेजिंग के साथ आया है, एक लिक्विड सीपीयू कूलर है आसूस की तरफ से। चलिए अब इस बॉक्स को बाहर से में जो भी फीचर्स है वो पहले हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके एक्सेसरीज चेक करेंगे। पहले देखिए पीछे आपका पूरा फीचर्स मेंशन है। फ्रंट में इसका जो एक्चुअल दिखने में लगेगा उसका एक पिक्चर है, और ये देखिए ये ओरा सिंक के कंपेटेबल है, उसका ओरा सिंक मेंशन भी है यहाँ पे, ठीक है। और फ्रंट में आपका एक OLED डिस्प्ले भी है, ये सारे के सारे पीछे भी मेंशन है। देखिए बैक साइड में देखिए इसका कुछ स्पेशल फीचर्स है और इसका स्पेसिफिकेशन है। स्पेशल फीचर्स देखिए, पहले देखिए 1.77 इंच का एक OLED डिस्प्ले। इस OLED डिस्प्ले में आप चाहे तो प्रोसेसर का जो टेम्परेचर, मदरबोर्ड का टेम्परेचर या फिर आपका मनपसंद का कोई डिज़ाइन जो मोनोक्रोमिक है आप इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं। सेकंड में देखिए ओरा सिंक कंपेटेबल है। ये जो ओरा सिंक है, आप जो भी आसूस ओरा सिंक कंपेटेबल मदरबोर्ड यूज़ करेंगे या कीबोर्ड माउस सबके साथ ये इसका जो लाइट है ये आपका सिंक हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो फैन है, ये फैन आसूस का खुद का डिज़ाइन है, ठीक है, आरओजी डिज़ाइन फैन है। उसके बाद देखिए जो है स्लिक एल्यूमिनियम कवर, ये जो आपका जो मोटर है, जो पंप है, ठीक है, इस पंप का देखिए जो कवर है ये पूरा प्योर एल्यूमिनियम है और बहुत ही स्लिक है। दूसरा कंपनी की तरह इसका थिकनेस उतना ज़्यादा नहीं है, एकदम स्लिम। उसके बाद देखिए जो इसका जो स्पेसिफिकेशन है, जो पंप का डायमेंशन दिया हुआ है, जो रेडिएटर है ये 240mm का रेडिएटर है, लेकिन इसका जो एक्चुअल साइज है आपका कैबिनेट में जब अटैच होगा वो 272, 121 और 27mm जो आपको थिकनेस हो गया। और इसका जो पूरा बॉडी है कॉपर और एल्युमिनियम दोनों से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो ट्यूब जो है ये आपका स्लिप रबर ट्यूब है। फैन ये आसूस का डिज़ाइन फैन है, आरओजी रियो फैन है, ठीक है। बाकी पूरा जो आपका स्पेसिफिकेशन, जैसे जो फैन यूज़ कर रहे हैं ये फैन का देखिए स्टैटिक प्रेशर दिया है, एयर फ्लो दिया है, या फैन का जो नॉइस है ये बहुत ही कम नॉइस है, 37 dB ओनली। और देखिए कंट्रोल मोड जो है ये PWM और DC दोनों मोड में चल सकता है, ठीक है। और ऑरा सिंक सपोर्ट तो है, OLED है, और CPU सपोर्ट जो है सॉकेट का, सारे के सारे CPU का सपोर्ट है, जैसे इंटेल का पूरा 115 से लेके उसका 115X, मतलब सारे सीरीज हो गया, 1366 हो गया। AMD में देखिए AM4 जो अभी सभी प्रोसेसर जो चल रहे वो है। TR4 में देखिए एक स्टार है, इसका मतलब है TR4 जो Threadripper आ रहा है, Threadripper के साथ आपका एक बैकेट और एक माउंटिंग किट आता है, वो माउंटिंग किट के साथ आप इस जो कूलर है इस कूलर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। हम इसका बाद जब अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद जब इस कूलर को हम मदरबोर्ड में अटैच करेंगे उस टाइम हम आपको दिखाएंगे Threadripper में ये कूलर आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। आप आसूस आरओजी रियो 240 एक लिक्विड सीपीयू कूलर को हम लोग अभी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके अंदर जो एक्सेसरीज है वो चेक करेंगे। बेहतरीन पैकेजिंग है, ये देखिए आसूस का खुद का डिजाइन हुआ फैन है, आरओजी रियो फैन, दो फैन है 120mm करके 240mm टोटल है। इंटेल और AMD दोनों के लिए हर तरह के ब्रैकेट है इसमें, और जो भी स्क्रू आपको चाहिए अटैच करने के लिए सारे के अंदर है। एक मैनुअल है, गाइडेंस है, आप इसको कैसे इंस्टॉल करेंगे CPU सॉकेट में ये सारे मेंशन है। ये हम अनबॉक्सिंग के बाद जो इसका एक्सटेंडेड वीडियो है हम उसमें भी आपको दिखाएंगे इसको कैसे हम अटैच करते हैं। चलिए अब कूलर को बाहर निकलते हैं। ये देखिए एल्यूमिनियम फिन का आपका रेडिएटर है, 240mm का रेडिएटर, इसमें आप दो फैन आप लगा सकते हैं। ऐसा दो फैन आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसका जो पंप है वो देखिए,
ऑलरेडी इसमें प्री एडेसिव जो है, जो थर्मल पेस्ट है वो ऑलरेडी अटैच है इसमें। और इसका जो प्लेट देखिए, ये प्योर कॉपर प्लेट है, जैसे ऑलरेडी मेंशन था बॉक्स के ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो साइन कार्ड है, ये एक्चुअली ओएलईडी डिस्प्ले है। ये डिस्प्ले को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। ये कस्टमाइज आप चाहे तो सीपीयू टेम्परेचर, मदरबोर्ड टेम्परेचर, या तो आपका मोनोग्राम कुछ भी जो डिज़ाइन है वो आप देख सकते हैं। इसको मॉडिफाई या इसको चेंज करने के लिए जो यूएसबी पोर्ट है वो आपके साइड में है। ये आपका माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। अभी माइक्रो यूएसबी पोर्ट तो हर मोबाइल में सब में मिलते जाता है, ठीक है। और इसके साथ भी एक आया है। और इसका कनेक्टर देखिए, इसका जो पावर सोर्स है, पावर के लिए इसमें साटा कनेक्टर दिया है, ठीक है। और देखिए इस सारे फैन कनेक्टर है। अभी इस कूलर को हम लोग एक मदरबोर्ड में अटैच करेंगे और देखेंगे इसका जो सॉकेट के साथ कैसे हम इसको अटैच कर सकते हैं, और इसका जो फैन है वो कैसे इंस्टॉल होता है, ये हम लोग अभी मदरबोर्ड इंस्टॉलेशन के टाइम में देखेंगे। आरो जी रियो 240 कूलर को आप चले, हमने इंस्टॉलेशन के लिए एक मदरबोर्ड चूज़ किया है, वो जेनिथ एक्सट्रीम, और एक जो सीपीयू है थ्रेडरिपर 2920X। अभी एक कूलर बहुत सारे कस्टमर को इंक्वायरी आता है जो एक कूलर थ्रेडरिपर में इंस्टॉल होगा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि इसका जो आप ब्रैकेट देख सकते हैं, ये ब्रैकेट देखिए, ये थ्रेडरिपर के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसको आप थ्रेडरिपर में कैसे यूज़ करेंगे, तो देखिए AMD हर एक थ्रेडरिपर प्रोसेसर के साथ ऐसा एक ब्रैकेट देता है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आपका ASUS का जो कूलर है इसमें आसानी से अटैच हो जाएगा, इसके बाद आप कोई भी जो थ्रेडरिपर का मदरबोर्ड है तो उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कोई सिंपल प्रोसीड्योर है, ठीक है। आप इसको अंदर की तरह थोड़ा प्रेस कीजिए, एंटी क्लॉक है इसमें रोटेट कीजिए, इसको एक लॉक साउंड हो गया अनलॉक का। और AMD जो प्रोवाइड किया थ्रेडरिपर के साथ, इसको आप इसी तरह अंदर की तरह प्रेस करके क्लॉक वाइज रोटेट कीजिए, लॉक हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए ये एकदम आसानी से फिट हो गया मदरबोर्ड पे। ठीक है, अब इस कूलर का जो परफॉर्मेंस है, हमने इस थ्रेड पर इसलिए चूज़ किया है, ये थोड़ा पावर हंग्री है, और इसका जो परफॉर्मेंस है, इसको ओवरक्लॉक करके टेस्ट पिंच करने के टाइम में हम देखेंगे कूलर कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, कितना टेम्परेचर में स्टेडी हो रहा है, सब कुछ हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। जो मेन पावर है ATX पावर, CPU पावर, और जो ग्राफिक्स कार्ड के पावर हम लोगों ने अटैच कर दिया, और इसके SMP का पावर भी ऑन है। मदरबोर्ड का जो हार्ड स्विच स्टार्ट करने के लिए वो हमसे अभी ये से स्टार्ट करते हैं।